दिल दहला देने वाली घटना जो शहडोल जिले के बुढ़ार में एक पत्नी ने अपने पति को ही अपनी बेटी के सामने मौत के घाट उतरवा दिया और इस हत्या को सड़क हादसा व लूट की घटना में तब्दील करने की साजिश रची थी। इस हंदी हत्या की गुत्थी बुढ़ार पुलिस ने चंद घंटों में सुलझाकर हत्या का खुलासा कर दिया। आरोपी पत्नी व अन्य दो को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुढ़ार थाना क्षेत्र के NH 43 बाईपास मार्ग पकरिया चौराहा के समीप बीती रात्रि OPM अमलाई निवासी मुकेश सिंह नामक एक व्यक्ति की खून से लथपथ अचेत अवस्था में सड़क के किनारे पड़े होने मिलने की सूचना बुढ़ार पुलिस को मिली, जिसके साथ 5 वर्षीय बालिका व उसकी पत्नी भी मौजूद थी, जो कि शहडोल से बाइक से वापस लौट रहे थे, जिनके साथ या तो लूट की घटना हुई या फिर सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस प्रकार की सूचना बुढ़ार पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही बुढ़ार पुलिस घटनास्थल पर पहुंच घायल मुकेश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, लेकिन चेहरे पर ज्यादा गंभीर चोट होने के कारण मुकेश की रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस ने इस घटना के बारे में मुकेश की पत्नी से पूछा तो उसने इस घटना को कभी सड़क हादसा बताया तो कभी अज्ञात लोगों द्वारा लूट की नीयत से हमला करना बताती थी, जिस पर पुलिस को संदेह हुआ तो पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मुकेश की न तो सड़क हादसे में और न ही लूट के शिकार होने के कारण मौत हुई थी, बल्कि उसकी पत्नी ने अपने भाई का साला अमित सिंह व भालू केवट के साथ साजिश रचकर पति को मौत के घाट उतरवा दिया। मृतक मुकेश की पत्नी प्रियंका सिंह के उसके भाई के साले अमित सिंह के बीच अवैध संबंध थे और प्रियंका का पति मुकेश उनके बीच रोड़ा बन रहा था, जिसे रास्ते से हटाने के लिए प्रियंका ने अपने प्रेमी व उसके साथी, जिसे इस घटना के में शामिल होने के लिए 50,000 रूपए देने की बात कही थी, शामिल किया गया। प्लानिंग के तहत प्रियंका अपने पति व मुकेश व 4 साल की बच्ची के साथ बाइक में सवार होकर बीती रात्रि शहडोल से वापस घर आने के दौरान बुढ़ार थाना क्षेत्र के नेशनल रोड बाईपास मार्ग पकरिया चौराहा के समीप बाथरूम करने के बहाने गाड़ी रुकवाई और पीछा कर रहे अमित व भोलू ने बोल्ट लगे रॉड से मुकेश के चेहरे पर कई वार किए, जिससे मुकेश वहीं ढेर हो गया। इस घटना को लूट की घटना को अंजाम देने की नियत से मुकेश का मोबाइल व बाइक वहां से ले गए। यह सब घटना मासूम बेटी के सामने होती रही। इस बात से अनजान सहमी बेटी माँ के आंचल में छिपकर सब देखती रही। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस तो मुकेश की पत्नी इस घटना को कभी लूट की घटना बताती तो कभी सड़क हादसा और खुद बेहोशी का नाटक करती, जिस पर पुलिस को संदेह हुआ और पुलिस ने प्रियंका से सख्ती से पूछताछ की तो उसने इस घटना को अंजाम देना स्वीकारा और घटना के समय घटनास्थल पर अमित के मोबाइल लोकेशन मिला था। अमित सिंह व उसके साथी भोलू केवट को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे शाहरुख का लड़का है। क्या घटना, क्या क्या जानकारी लगी घटना के बारे में? हमको पहले जानकारी मिला कि मतलब कि एक्सीडेंट हो गया है। जब वहाँ हम लोग पहुँचे, यहाँ जब लाश देखे हम लोग, तो मतलब एक्सीडेंट नहीं था और उसको जो है सो मर्डर किया गया है और उसको गाड़ी के जहाँ पर एक्सीडेंट हु के नाम लिया गया है वहाँ से उसका गाड़ी जो है सो 150 गज दूरी जाके जंगल में ढक दिया गया था। जंगल में मतलब कि यहाँ पुलिस वाले बहुत खोजे तो नहीं मिला, तो फिर 3 बजे रात में जो है सो गाड़ी मिला है और मोबाइल का पता नहीं लगा और उसका मुफलर जो था से वहीं पर पड़ा हुआ था और दांत समुच्चा टूट के वहीं बिखरा हुआ था। किसमें से मारे हैं? वो एक्सल राड से। हाँ, तो इसकी जानकारी आप लोग, आपने आपको क्या लगता है क्या इसकी पत्नी का भी इन्वॉल्वमेंट है उसमें? हाँ है, पत्नी ही गाड़ी रुकवाई है बाथरूम करने के बहाने। पत्नी बोली कि थोड़ा रुको, मेरे को बाथरूम जाना है। तो बाथरूम जाना है, जब पति पत्नी जब साथ में हो, दूसरा कोई तो है तो बगल में बैठ के मतलब बाथरूम कर सकती हो, तो जब पति के इतना दूर खड़ा करा के तो मतलब 100 गज दूर जाने क्या मतलब है बाथरूम करने की? अगर जो तुम नज़दीक में होती तो हल्ला करती या पति के बचाव करती? तो वो हत्या क्यों कराई? कुछ उसका अवैध संबंध था क्या आपसे? हाँ, उसका मतलब कि दोनों का मतलब कि कुछ मिली सरकार था और आना जाना कुछ उस पर रहता था। और जैसे यहाँ जब साहब लोग आए बयान हम लोग को लेने लगे तो हम लोग को नाम पता लिखे हैं और मोबाइल नंबर लिखे हैं और उस लड़का के जब लाया गया जैसे उसका मतलब कि मोबाइल का नंबर लिए हैं तैसे तुरंत सर्च आगे वहाँ से आए तुरंत तो उसको मतलब गिरफ्तार कर लेके यही है। तब उसको साहब लोग पकड़ गए, SP साहब भी वहाँ थाना में ले गए तो सारा जो है सो कबूल किया। क्या नाम आपका? मेरा नाम शैलेश सिंह। कल थाना बुढ़ार में करीब 9:15 बजे रात में सूचना प्राप्त हुई है कि मारुति नंदन पेट्रोल पंप के पास एक एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस मौके पर जाने के बाद मालूम पड़ा कि एक महिला और अपनी बच्ची को लेकर रो रही थी
और वहाँ पर मोटरसाइकिल नहीं थी जो एक्सीडेंट हुई थी, लेकिन कुछ ब्लड पड़े थे, एक डेड बॉडी पड़ी थी। वो डेड बॉडी जो है मृतक मुकेश सिंह की थी, जो अमलाई में रहते थे ओपीएम में। और डेड बॉडी को प्रथम दृष्टया देखने के बाद मालूम पड़ा कि हत्या का मामला है। पुलिस ने तत्काल वहाँ देहाती नालसी 302 पर चाक की है और जांच की और साइबर एविडेंस इकट्ठे किए, तो मालूम पड़ा कि इस हत्याकांड में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। पुलिस ने 3 लोगों को राउंड अप किया है और उसमें मृतक मुकेश सिंह की पत्नी भी है, और उनको राउंड अप करने के बाद सख्ती से पूछताछ की है। तो पूछताछ में ये मामला निकला है कि अमित सिंह आरोपी के मृतक मुकेश सिंह के परिवार से घनिष्ठ संबंध थे, आपसी लेन देन का विवाद था, इस कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। प्लानेट तरीके से इसको मारा गया है, और इस घटना में मृतक मुकेश सिंह को मारने में 3 लोग इन्वॉल्व थे। 3 को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है, गिरफ्तारी करके और माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जी हाँ, इसमें मृतक मुकेश सिंह की पत्नी भी इसमें इन्वॉल्व थी और उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया। वो क्यों मरवाना चाह रहे थे उसको? अब ये इसमें जो प्रथम दृष्टया मामला सामने आया है वो ये है कि जो आरोपी अमित सिंह है उससे मृतक की पत्नी से बातचीत हुई है, और बातचीत के कुछ एविडेंस हमको मिले हैं, इस आधार पर हमने उनको गिरफ्तार किया। ये पहलू हो सकता है कि इनके अवैध संबंध के कारण जो है? इस संबंध में भी हम जांच कर रहे हैं, कुछ जानकारी हमें मिली है, विवेचना हम कर रहे हैं।